ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने इस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ, तेरे सिर के बाल बिखर गए हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी से बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता ने अपने हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ अपना असली रूप उसको दिखाया। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में ना तो चौकी है ना ही आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए एक गधे पर बैठ गयी और हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर उस डलिया में भरकर फेंक दिया। उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन कराए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और उसकी पूजा को जरूर स्वीकार करना, नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना, साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलाए और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल का फूल चढ़ाए, तो आप उसके धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता ना आने देना। तब माता ने तथास्तु कहा और उस कुम्हारन को वरदान दिया और ये कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस कथा को सुनने के बाद घर की दरिद्रता का नाश होने के लिए शीतला माता से सभी लोग मनोकामना करें और शीतला माता से मनोकामना में मांगे कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहिए रहस्य मैक्स।